सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके इंजन बे के अंदर क्या चीज़ क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले बोनट खोलेंगे। बोनट खोलने के लिए अपने गाड़ी खोलिए और यहाँ नीचे देखिए, ये रहा मेरा बोनट का लैच। मैंने बोनट का लैच खोल दिया और अपने आगे जाइए। हर कार में थोड़ा डिफरेंट होता है, मेरी गाड़ी में यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आइए और यहाँ एक होता है लैच। ये मेरे को आप वो देख सकें तो यहाँ पे होता है लैच। वो तो कैमरे में शायद दिख नहीं रहा, पर इस लैच को आपने ऊपर की साइड पुल करना है। और पुल करते हुए ही इसकी टेक्निक ये होती है कि उसको ऊपर की साइड पुल करना है और साथ ही आपने उसको बोनट के ऊपर उठा लेना है। तो आपका ये बोनट ऐसे जाएगा। अब बोनट एक बार खुल जाए तो फिर यहाँ से इसको निकाल के आप बोनट को सिक्योर कर लीजिए इसके जैक पे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका पूरा बोनट सामने खुल गया है। तो अब हम इस चीज़ में बात करेंगे कि क्या क्या है इस बोनट में, इस इंजन के बे में क्या चीज़ क्या होती है। तो जो सबसे पहले जो ऑब्वियस थिंग्स हैं, जो सबको पता है, ये पूरा इंजन हो गया, ये बैटरी हो गई, ये एयर फिल्टर हो गया, ये तो सबको बेसिक पता ही है। पर इसमें इन डेप्थ एक एक चीज़ क्या होती है वो अभी हम इस चीज़ में बात करेंगे। तो चलो हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, एक एक साइड से जाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये तो आपका विंडशील्ड वॉशर हो गया, जहाँ से आप विंडशील्ड को वॉशर भरेंगे। ये बैटरी हो गई और ये जो है ये हो गया फ्यूज़ बॉक्स। गाड़ी में दो फ्यूज़ बॉक्स होते हैं, एक फ्यूज़ बॉक्स इंजन में होता है, एक फ्यूज़ बॉक्स होता है डैशबोर्ड में। ड्राइवर जो पेडल्स होते हैं, जो ड्राइविंग पेडल्स होते हैं, उनके ऊपर होता है। तो इस फ्यूज़ बॉक्स को भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए, ये फ्यूज़ बॉक्स आ गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग चीज़ों के ये फ्यूज़ लगे हुए हैं। अब जो इसमें ये मार्किंग है 15 15, 75 30 25, ये एम्परेज है, और 25 amp, 35 amp, ये और ये रिलेज हैं। ये रिले, इस पूरा रिलेज का सिस्टम है। अब जैसे आपको एक फ्यूज़ निकालना है तो यहाँ पे क्लिप दी हुई होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्लिप है। इस क्लिप को यूज़ करते हुए आपको फ्यूज़ नहीं, जैसे मेरे को ये फ्यूज़ निकालना है तो इस क्लिप पर लगा के मैं इसको ऐसे फ्यूज़ को बाहर निकाल लूँगा। अब आप जैसा कि देख सकते हैं, ये मैंने एक फ्यूज़ निकाला है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखने की, ये एक कंटिन्यूस वायर जा रही है इसमें, तो इसका मतलब है कि ये फ्यूज़ बिल्कुल सही है। अगर ये शॉर्ट हो जाता तो इसका ये बीच में जो है ये टूट जाता। इसके जो आप ये जो स्ट्रिप देख पा रहे हैं, इसके बीच में ये स्ट्रिप टूट जाती। तो अभी इस फ्यूज़ को मैं यहाँ वापस लगा देता हूँ। तो जैसा कि अभी मैंने इसमें डाल दिया, तो ये टूल जो है ये सिर्फ फ्यूज़ निकालने के ही मेनली काम आता है। अब अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो फ्यूज़ बॉक्स का जो कवर है, इसके पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। इसमें आपको बताया होता है कि हर फ्यूज़ जो है वो किस चीज़ के लिए है स्पेसिफ़िकली, और वो फ्यूज़ की क्या एम्परेज है। जैसे आप यहाँ ये वाला देख सकते हैं HLP रिले, तो ये हॉर्न की रिले है। डिम रिले, तो ये जैसे ग्लो हो गई, ST हो गई, ये हर एक एक चीज़ के हिसाब से होती है। अब जैसे कि अभी देख रहे हैं, यहाँ लिखा है स्पेयर 1 2 3, तो ये जो मैंने फ्यूज़ अभी निकाला था ये वाला, ये 1 2 3 ये स्पेयर फ्यूज़ हैं। बाई चांस अगर आपका ये फ्यूज़ शॉर्ट हो जाए तो आप इमिजिएटली आप कहाँ मार्केट जाएंगे, इससे बढ़िया कि आप यहाँ से ये 3 स्पेयर हैं, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूज़ बॉक्स को कर देते हैं बाकी ये बंद। और एक ऐसे सेम फ्यूज़ बॉक्स अंदर की साइड भी होता है, वहाँ पे भी सेम उसके कवर के पीछे ही पूरी गाइडलाइन दी हुई होती है कि कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ के लिए है। अब ये थोड़ी ओपन स्पेस है यहाँ, और ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं ये है कार का ECU, ये कंप्यूटर जिसको बोलते हैं। ये हर कार में इसी साइड ही लगा होता है, बैटरी के आसपास ही। तो ये जो है ये पूरा मास्टरमाइंड है, इसी ये पूरा कंट्रोल करता है इंजन को और स्टार्टिंग, और उससे आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक जितना भी कार में फंक्शन होता है वो उसको यही कंट्रोल करता है। अब अगर इस साइड आएंगे तो इस पर ये देखिए, ये पावर स्टेयरिंग का फ्लूइड है, इसमें लिखा भी है और यहाँ मार्किंग्स भी बनी रहती हैं फ्लूइड के लिए कि कम ज़्यादा या कितना आपको रखना है। ये आपका रेडिएटर है, ये वो लैच है जिसके बारे में पहले बोल रहा था, इस लैच से ओपन होगा। तो ये जो आगे वाली जो ग्रिल है, इस आगे वाली ग्रिल, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाली ग्रिल, ये कंडेंसर है जो AC के लिए काम करती है। और इसके जस्ट पीछे वाली जो ग्रिल है ये रेडिएटर है। रेडिएटर इंजन को कूलेंट जो है, इंजन का कूलेंट है उसको ठंडा करता है, और टेक्निकली इंजन को ही ठंडा करने में हेल्प करता है। अब यहाँ आएंगे तो ये है इंजन कूलेंट, ये कूलेंट की पूरी बॉटल है इसमें इंजन कूलेंट की। ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका रेडिएटर का फ़ैन हो गया, और ये आपकी पूरी बेल्ट हो गई। इसमें कार में दो बेल्ट होती हैं, ये जो बाहर जो बेल्ट आप जनरली देख सकते हैं, ये बाहर पूरी जो इनको चला रही है इसको फ़ैन बेल्ट बोलते हैं, और इस कवर के अंदर एक और बेल्ट होती है, इस कवर के अंदर जो बेल्ट होती है उसको टाइम बेल्ट बोलते हैं।
अब बाकी बात करेंगे तो ये जो है पूरा सिस्टम यहाँ पे भी पूरा देख सकते हैं। यहाँ से ये एयर इनटेक है इंजन का, यहाँ से एयर इसके अंदर जा रही है। और जो ये है ये आपका थ्रॉटल बॉडी बोलते हैं इसको, इस पूरे सेक्शन को थ्रॉटल बॉडी बोलते हैं। ये थ्रॉटल बॉडी में क्या होता है, एयर फ्यूल इन सब का जो है मिक्सचर होता है, और जो कंबशन के लिए पूरा यहीं पे होता है। जैसे के लिए जो रेस जो आप देते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ये इसको यहाँ से अंदर जो है इसकी ओपनिंग को खोलती है, एयर की ओपनिंग को, जिससे कि इंजन को एनर्जी मिलती है। जब आप पेडल प्रेस करते हैं तो यहीं से ये ओपन होता है और फिर एयर ज़्यादा इंजन में अंदर जाती है। तो मेन जो काम है आपका एक्सलेटर देने का, पावर एक्सट्रैक्ट करने का, वो यही है। यहीं से सारा वो चीज़ कंट्रोल होती है पूरा इंजन का। अब जो मैं बता रहा हूँ दूसरी चीज़ है वो ये है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर ये रहा, तो यहाँ से हवा आएगी, इसमें से फिल्टर होकर यहाँ से जाएगी। अब जो ये जो अजीब सा पार्ट है इसको आप देख सकते हैं, ये दो वाला मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये टर्बो है। ये किसी कार में प्रेजेंट होता है, किसी कार में नहीं होता। जनरली जो थोड़ी हैवी सीसी की कार्स होती हैं उसमें तो प्रेजेंट होता ही है, और डीजल कार्स में भी जनरली होता ही है। पेट्रोल कार्स में भी आता है, थोड़ी हाई एंड पेट्रोल कार्स में आता है, पर जनरली डीजल में तो जनरली होता ही है ये। तो टर्बो के बारे में मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा टर्बो का क्या फंक्शन होता है, वो कैसे वर्क करता है। तो अगर मैं बेसिक बेसिक मैं आपको समझाऊं तो जो टर्बो होता है, टर्बो बेसिकली क्या होता है, जब इंजन की एग्जॉस्ट गैसेस जो निकल रही होती हैं वो एक फ़ैन को घुमाती हैं, छोटे से फ़ैन को, जो कि एक रॉड से, यहाँ एक सेंट्रल रॉड होती है, वो इसमें भी एक और फ़ैन होता है उसको भी साथ साथ घुमाती है। तो मतलब एग्जॉस्ट गैस यहाँ से जा रही है और जाते जाते एक इस यहाँ फ़ैन घुमा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक फ़ैन घूम रहा है। अब इस फैन के घूमने से क्या होता है, इंजन में एयर सक होती है यहाँ से और यहाँ से जाके इसमें अंदर चली जाती है। तो जनरली क्या हुआ, आपका एग्जॉस्ट के निकलने की वजह से ज़्यादा एयर इंजन के अंदर आती है। ये बेसिक बेसिक टर्म्स में एक टर्बो का यह काम होता है। अब अगर हम इस साइड आएंगे तो ये जो है ये है ABS, इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ABS होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये जो आप चार इसमें ये देख रहे हैं ये ब्रेक लाइंस हैं, ये दो ऐसे दो आगे की होगी, दो पीछे की होगी। तो ये अपने आप ही कंट्रोल करता है, जैसे आपने पूरा पेडल दबा दिया और अगर आपका टायर स्किड कर गया तो फिर यही कंट्रोल करता है कि हर किस व्हील में कितना ब्रेक लगनी चाहिए। तो ये बेसिकली ये भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, मैं जल्दी इसमें वीडियो भी बनाऊंगा। और ये जो है ये पूरा हो गया आपका ब्रेक का सिस्टम, ये ब्रेक फ्लूड है। और ये जो गोल सा लग रहा है, ऐसा लगता है पीछे अगर आप देख सकें, ये ऐसा लगता है कि स्टेयरिंग का है, पर ये स्टेयरिंग नहीं, ये ब्रेक का मेन सिलेंडर है ये देखिए, क्योंकि ये ब्रेक की लाइन यहाँ से इसमें ABS में भी जा रही है। और ये आपका नीचे पूरा एग्जॉस्ट का सिस्टम हो गया। और बाकी अगर यहाँ बात करें तो ये AC के लिए है, ये जिसमें देख रहे हैं यहाँ पे आप AC का फ्लूइड भी देख सकते हैं अगर कंटामिनेटेड हो तो। और ये जो है ये AC की गैस भरने के लिए काम आता है। अब अगर यहाँ मोटा मोटा यहाँ पे बात करें तो ये है इंजन का कंप्रेसर, जिसमें से आपका ये अपना एयर कंडीशन की गैस कंप्रेस होती है। ये आपका मेन फ़ैन दिख रहा है, ये फ़ैन हो गया। और बाकी यहाँ सारे मेन मेन पार्ट्स हैं, और जो मेन इंजन की व्हील्स हैं वो सारी नीचे हैं। और ये आपको मैं बता ही दिया, ये टाइम बेल्ट है, ये इंजन ऑयल भरने के लिए है, इंजन ऑयल यहाँ से फिलअप होता है। और बाकी ये जो है इंजन के हेड्स हैं, ये चारों पिस्टन के, एक दो तीन और चौथा ये रहा। और अगर इस साइड और आएंगे तो आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ये है ऑयल फिल्टर इंजन का। अगर दिखाएगा तो मैं दिखाऊं आपको, ये वाला जो आप देख सकते हैं ये गोल सा, ये ऑयल फिल्टर है, ये इंजन का ऑयल को फिल्टर करने के काम आता है। और जो ये जो चीज़ है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है फ्यूल का फिल्टर, जो आपका जैसे जैसे डीजल कार है तो इसमें डीजल को फिल्टर करता है, कि जिसके इन केस अगर आपका फ्यूल कंटामिनेटेड हो, ख़राब फ्यूल आ जाए, तो वो इसी में फ़िल्टर हो जाएगा, आपके इंजन को और आगे हार्म नहीं करेगा। तो ये फ्यूल फिल्टर हो गया। अब जो एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे आप अपना हुड हुड को देखोगे तो ये मेटल है, तो कई कार्स में यहाँ पे ये कपड़े जैसा मटेरियल लगा होता है। इस मटेरियल का काम बेसिकली क्या होता है, ये कोई बोलता है फायर रेजिस्टेंट है, ये है वो है, तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा, ये एक तरीके से फायर रेजिस्टेंट मटेरियल तो है, पर ये मेन जो मटेरियल है ना ये पीछे इधर लगा होता है, जो आपका इंजन जहाँ से आपके बॉडी के पास होता है उसको, इसको ये जो पीछे लगा हुआ है इसको बेसिकली फायर वॉल बोलते हैं।
कि बाई चांस आपके इंजन में अगर आग लग जाए तो ये जो मटेरियल है ये आपके केबिन तक आग को नहीं पहुंचने देगा। और इसका मटेरियल वहाँ लगना और यहाँ लगने का जो दूसरा काफ़ी मेन रीज़न है वो है साउंड। ये एक साउंड को एब्जॉर्ब करने का मटेरियल है जिसकी वजह से जो कि इंजन की साउंड है वो बाहर कम आती है। ये जनरली जो गाड़ियाँ ज़्यादा डीजल होगी जैसे कि, या फिर जिन गाड़ियों में इंजन नॉइज़ ज़्यादा है, ये उन्हीं में होता है। काफ़ी पेट्रोल कार्स में तो ये लगा भी नहीं होता, पर वो जो फायर वॉल जो मैंने बताई पीछे, ये आपको हर कार में ही प्रेजेंट रहेगी। जो लास्ट चीज़ इसके बारे में और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये होता है आपका इंजन का, इंजन की ऑयल चेक करने के लिए। देखिए ये कि पूरी स्ट्रिप होती है, ये पूरी स्ट्रिप ऐसे बाहर आएगी और इसमें आपको मार्क्ड होता है लो और फुल। लो तो अगर आपका इंजन ऑयल की क्या कंडीशन है, कितना ख़राब है कितना सही है, वो आपको सारा इसी से चेक करके पता चल जाता है कि इंजन ऑयल कम तो नहीं हुआ या फिर कितना भी रेड है ब्लैक है, वो उसी क्या कंडीशन है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने आज जो वीडियो बनाया इससे आपको अपनी कार के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में पता चला। और अगर आप, मैं कोई चीज़ इस वीडियो में मिस कर दी या कोई जो कोई सजेशंस आप देना चाहेंगे कि क्वालिटी वाइज़ या फिर ऑडियो वाइज़, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं अपनी फ्यूचर वीडियो में उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखूँगा।